केशव कॉलिंग। हेलो। अब नरेमान बोल देगा नरगन मुठे। हाँ कौन बोलता है? अब भाव गाड़ी का काम है कि तुम्हारा गद्दे का काम है? हाँ हाँ बोलो ना, कहाँ है आप? कौन बोल रहे? मैं तो मंत्रालय से बोल रहा हूँ। अपना ये जो भी है ना, अपना अधिवेशन है ना, हाँ 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 अधिवेशन गद्दे लगेंगे ना भाव। गद्दे लग रहे हैं। किसने हेलो, पर आपको नंबर किसने दिया? अरे तुम्हारा नंबर देवनगर में रहते तुम हाँ फिर तो। मैं ये बोल रहा हूँ, शुरू मेरी बात पहले शांति से। हाँ बोलो। अपने को लगेंगे 27 गद्दे पकड़ लो, कॉमन वाले हाँ 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 जो 7-8 किलो के हो ना, ज्यादा बड़े नहीं हो ना। हाँ तो क्या रेट में लेंगे? हाँ रुको रहा था जी भैया, 30 गद्दे लगेंगे 8 किलो के, 7-8 किलो के 8 किलो पकड़ लो, रहना एकदम कंपनी होती है ना। हाँ 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 और 20 किलो के लगेंगे तो, हाँ और जो साहब लोग बड़े बड़े नहीं आते तो, हाँ 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 हिसाब हाँ से। अरे क्या सरने में बोला? हाँ अपन जॉब पे डोई फड़े साहब, हाँ 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 ठीक है। ये पेमेंट वगैरह सब कैश मिलेगा तुमको, हाँ 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 कोई अंतरालय मंत्रालय का चेक नहीं मिलेगा। तैयार है चाइना बोला अभी। रुकते क्या मुड़े भाऊ, हाँ क्या बोलो। नाम तुम्हारा? मेरा नरेश नाम है। हाँ नरेश भाऊ ना। तो हाँ हाँ 2 गद्दे लगेंगे 20 किलो के, हाँ तो डबल बेड के, हाँ और 30 गद्दे लगेंगे अपने के, 30 गद्दे कॉमन वाले होना। हाँ 3x6 के। हाँ कितने किलो के रहेंगे ये 7, 7.5, 8 किलो के पकड़ लो ना। ये? पकड़ो भैया, फिर उधर मेरे को भी देना पड़ता है। 8 किलो पकड़ लू क्या? 7.5 किलो पकड़ो, 7.5 किलो। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? मेरे बाप का 8 किलो बोलने से, हाँ भले तो छह 8 किलो किलो के बोलो दे रहे, चलो। 8 किलो पकड़ रहा हूँ उसमें क्या है? हाँ हाँ ठीक है ना, तो ये ठीक है। 8 किलो का जो गद्दा है, हाँ 8.5 किलो का गद्दा रहता अपने लाभ पर, 8 किलो पकड़ो चलो। अभी गोल वचन मत दो यार, बिल्कुल बहुत सिंपल सिंपल बात करो। अभी सात हाँ किलो मैं का तो बोल रहे हो, है अभी ना साढ़े आठ बोल रहा किलो हूँ का ना, बोल, मैं 8.5 किलो के बनते तो 8 किलो है ना। फिर 9 किलो ढूंढो। फिर कंजूसी क्यों कर रहे हैं? हाँ 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 फिर बोलो ना। हाँ 9 किलो का बोलो, फिर उसको कौन गिन के देख रहा है वहां पे? एक गद्दा गिन के नहीं नहीं देखेंगे नहीं 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 देखेंगे? जो है वही बोलने का ना। हाँ ठीक है, चलो 9 किलो वाला जो गद्दा कितने का पड़ेगा अपने को? अरे आप ही बोलो ना, आपको कितने तक होना बोला? यार तुम धंधा तुम कर रहे हो, काम 700 रुपये तुम। पकड़ो। 700 रुपए का गद्दा, सिलाई गिलाई सब आ गई, इसमें हाँ सब आ गई। खोर आ गई। नहीं खोल नहीं, सिर्फ गद्दा खोर खोर के कितने कवर भी होने क्या उसको? समझते जाओ ना, मेरे को मंत्रालय में सब डाल। 300 रुपये कवर के पकड़ो। 300 रुपए कवर और उचित दो दो तो तकिए, उसके दो तकिए भी, 200 रुपये वो 1200 रुपये। 1200, 1200 की भी, 1200 की इसके भी तकिए घूरा के। हाँ उसमें तकिया के खोल दे देंगे। इसमें तुमको कितने रुपए कमाई में मिल रही है? अभी इसमें कमाने का वो जाने दो, अभी वो कैसा करते हो देखो, अभी लेके जाने का सोचो आप कैसा करने का। तो नरेश भाऊ लेके जाने के लिए गाड़ी आएगी गवर्नमेंट की, लेके जाएंगे भूसे भी होनी है। हाँ और हाँ तुम्हारी तरफ आया कुछ ना बताया करके आया तो मैं क्या हमाला करूँ क्या? हाँ 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 तो तुम ऐसा कुछ करो जिसमें मेरे को भी जमे तुमको भी जमे। हाँ 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 मेरे को आवाज एकदम पहचानी जैसी लग रही है आपकी। वो लगे होंगे अभी इधर उधर कहीं मिले होंगे, क्या देखे होंगे, सुनी होंगे, क्या बताओ। हाँ हाँ और हाँ गद्दा हाँ अपन तुम्हारे पहली बार ही बता रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। ये 1200 का जो गद्दा है ना भाऊ, ये 700 का, हाँ जाओगे तुम गलत नरेश भाऊ, नहीं बराबर है। क्या करो तुम 900 कागज पिने के तुम्हारे पास? हाँ नहीं बोलो ना, मेरे ध्यान में चल रहा था सब। हाँ ये हो गया 900 का, ठीक है। हाँ 300 की खोर तुमने बोलाओ बराबर है, हाँ और तकिया, तकिया के 100 रुपए बोले ना, हाँ वो उसके भी खोला है ना। तकिया के खुर के हो गए 300, हाँ ये हो गए 1200, और उसी के लगाओ तुम 200 खुर हाँ बराबर है। के साथ, ये कितने हो हाँ गए अभी, कितने हो गए अभी, 1200, 200, 1400 है। 1400 ये रुपए हो गए, ट्रैवलिंग के हो गए 100 रुपए, हाँ सीधा सीधा 1500 का गद्दा पकड़ो तुम। हाँ अब नरेश वो हिसाब करके बताओ, इसमें तुमको कितने बच रहे, मेरे को कितने बच रहे? तुमको, आपको कितने होना ये बोलो ना पहले। मैं बोलू मेरे को 1500 में 500 होना, तुम क्या बोलेंगे वीर? इतना डॉक्टर का मत करो, मेरे को 500 रुपए गद्दी के दो तुम। ये गद्दी के 500 रुपये आपको दियो तो वाह मेरे को क्या मिलेगा? मेरे भाई, तुमको जब से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट का काम है, काम एक दो गद्दे, एक दो पहले 30 गद्दे में 3-4 गद्दे 5 गद्दे टका जगह बना, बाकी गद्दे में एडजस्ट हो जाती है, ये 2 गद्दे साफ के वो प्रॉपर बना। हाँ। तू मेरे को क्या मिलेगा, तेरे को मिलेगा? तू मेरे थाली का क्यों घी को देख रहा है? तू अपनी थाली देखना, अरे हाँ तो फिर आपने तो फिर मैं देखता ना क्या करने का है तो। हाँ आने वाली बात ही नहीं। मैं लड़के के हाथ से पेमेंट भेज दूंगा ना, वो साहब सब गाड़ी आ जाएंगी, या फिर गाड़ी हाँ नहीं हाँ आई तो तुम्हारे 400-412 गाड़ी कर लेना, तू ट्रैवलिंग के 100 रुपए बड़े जोड़े उसमें, हाँ हाँ ठीक है, तो ये सब अभी तुम्हारा भेज का। रहे हैं क्या? अरे बात तो कर लेना का, उधर मेरे को झावलना पड़ता रहा, मेरे को हाँ जॉब हाँ मिल गया हाँ तो मुद्र मुद्र बोलना पड़ेगा ना भैया। भैया हाँ 2000 बता रहा, मेरा दोस्त है, मैंने एडजस्टमेंट करके 1500 में सेटल किया बोलूंगा उसको। हाँ हाँ गद्दी गिद्दी खुर के साथ आ जाएंगी, हाँ ठीक है। और वो जो मेो का जिसको ठेका दिया, उसको मेो वाला कोई तो भी लड़का है, वो उसके तरफ वो है, तो क्या कहे का बेडशीट का काम अच्छा ठीक है, तो अभी नहीं। कैसा करते फिर? और तो ये जो 1500 में अपना फाइनल हो गया, हाँ ठीक है, 1500 × 30 करो कितने हो गए, 45,000 का ये हो गया, 45, 15, 3, 45, 45,000 हो गए। हाँ 45,000 के ये 30 गद्दे हो गया। तो हाँ 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 ये 30 गद्दे में अपने को कितने रुपए बच रहे? चलो अभी आपको क्या लेना है तो आप लेना, मेरे को क्या देना है मेरे को देना, चलो हो गई बात, डन लो। हो गए, 1000 रुपये तुमको दूंगा मैं, 30 गद्दे के 30,000 रुपये। हाँ ठीक है, तुम 30,000 रुपये नगद पकड़ो,
सुनो मेरी बात, गाड़ी का जो भी पेमेंट रहेगा आने जाने का ट्रैवलिंग का मेरे सब दे दो। हाँ ठीक है। 30,000 तुम लेना और बिल के बिल में जीएसटी कैसे चाहिए तुम्हारे? बिल में जीएसटी का नहीं है, कैश को कैश मेमो क्रेडिट वाला बिल है ना। तो ठप्पा के मारा क्या करती कितनी का? हाँ सब है सब है सब है। और सुनो, इससे भी बड़े साहब का फोन तुमको आएगा नहीं, पर आई गया भैया बोलना हो गद्दी में तो फंस गया बोलना, भैया के चक्कर में ऐसा होगा वैसा होगा बोलना। हाँ ठीक है, वो मैं बराबर करवाता हूँ, 6 साल से बिजनेस में सब मालूम मेरे को क्या करना है। क्या वो सब समझा दूंगा, तुम ले तो पहले सब समझा देता मैं। यार तुम हल्के में ले रहे, बात को नहीं समझ रहे। नहीं हल्के में नहीं ले रहा हूँ मैं, पक्के में ले रहा हूँ ना, हल्के में। ये देखो बिजनेस में मजाक चलती नहीं ना, दांत निकाल रहे वहाँ पर बिजनेस में मजाक नहीं चलती बोल रहे। नहीं, 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 नहीं। रोक के बैठा हूँ, तुम दांत निकाल रहे वहाँ से। नहीं 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 कुछ नहीं है, तुम सिर्फ मेरे को बोलो मैं तैयारी करता हूँ, और आप क्या वो लड़के को भेज दो, कोई भी लड़के को कैश लेके मैं गाड़ी लोड करवा देता हूँ। अभी बोलेंगे तो अभी करवाता हूँ। यही तो पगलीगिरी पूरा दी तुम्हारी वाली मेरे को। हाँ कैसी करते तो फिर? अरे मैंने बोला ऑर्डर देके बना रहा हूँ, बोला स्पेशल वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, ऑर्डर लेके बना लेते। हाँ फुटपाथ जैसी बातें कर रहे हैं यार तू। नहीं 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 नहीं, लो ऑर्डर लेके बनाते, चलो ऑर्डर लेके बनाते ना, ले ना फटाफट बोलो। हाँ कैसा करते, चालू कर दूं काम? रुक रहा नरेश भाई, तू सांस तो ले। हाँ ठीक है, सांस ले लेता हूँ। हाँ मैं ये बोलूंगा 20,000 रुपए एडवांस भेजता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आज का दिन कौन सा है? शुक्रवार। हाँ हाँ हाँ। सोमवार को मंगलवार को गद्दे मिलेंगे बोलता। हाँ मंगलवार को, मंगलवार मैंने ये मेरा स्पेशल मैंने बोला, उसके बाद गद्दे थे पर अपने को गद्दे होना नहीं बोलूंगा। नरेश भाई अपनी पहचान की है, नए गद्दे बना के दे रहे बोलने का। हाँ हाँ बस भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं यार। वो थोड़ा डॉक्टर का कर रहे थे, क्या होता है तो वो बोलेंगे साला इसे पैसे कहाँ से उठा। तू नरेश भाऊ, तू तेरी दुकान ही ना बड़ी। हाँ बड़ी दुकान है। लो रहना कहाँ पे तुम्हारा? मेरा रहना भी वही पीछे। तू बातें करते ना फुटपाथ जैसी बातें करता कभी कभी? नहीं 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 करता। लो लो तो अभी कितने देर में भेज रहे फिर एडवांस? एडवांस तो 6 बजे के पहले आ जाएगा। सुन तू यार कुछ बोलो ना, मैं बोलने को तैयारी में सब तैयारी जो रेडी जो ना बोलो ना। अभी आप क्या बोल रहे थे आगे? तो आगे क्या बोलना, तू ऐसी बातें कर, पीछे का तो भूल ही गया तू बोलने लगा था फिर। नहीं बोलने का गया। अब बोलो ना जल्दी। हाँ अरे कोई काम में गए तू? नहीं नहीं कोई काम में नहीं हूँ मैं, आपके ऑर्डर में जो मैं ले बोलो। 20-20 के किलो के जो दो गद्दे? हाँ 20-20 किलो के दो गद्दे। क्या साइज के? वो साइज देखो ना, डबल बेडरूम, डबल बेड यानी 6x6। हाँ 6x6 20-20 किलो के दो गद्दे, 30 गद्दे 3x6 के। पति पत्नी और एक बच्चा है ना उसमें? हाँ तो 3x6 के दो गद्दे, 3x6 30 गद्दे। ये गद्दे 30 गद्दे को छोड़ दे, 30 गद्दे का विषय निकाल ले। हाँ। अब ये 20-20 किलो के जो दो गद्दे उनका क्या? हाँ हो गए वो कितने बाय कितने के रहेंगे? 6x6। हाँ 6x6। ये कितने का पड़ेगा? इसको लगा देंगे ना अपन 20 किलो का 3,500 रुपए वगैरह लगा देंगे गद्दे का। ये गद्दे का 3,500 रुपए? 3,500-4,000 रुपए पकड़ लो ना। और हेपलना और आगे आगे जाना, मेरे लिए कुछ रखी मत तू। अभी तो लगा लो, मैंने यहाँ से 15,000 रुपए कमा, तेरे तो दिमाग में बैठ गया है ना। 4,000 वगैरह पकड़ लो सीधा सीधा। तू ऐसा जड़ कुकड़े पर क्यों कर रहे नरेश भाऊ? नहीं ना कर रहा ना। अब तेरे को लग रहा है कैसे हो रहे? मैंने खड़े 15,000 रुपए कमा लिए, तेरे पेट में गोल आ गया? नहीं आ गया। अरे मेरे 15,000 को क्या लेने, तेरे को 30 मिलियन दे रहे? हाँ तो मैं कुछ बोला क्या आपको? कुछ बोला ही नहीं ना। समझ रहा क्या? अभी मेरे 20 किलो का गद्दा बताया, 3,500-3,500 भोको दे रहे बड़ा जरूर। नहीं नहीं वैसे नहीं है, वो बड़ा गद्दा है ना, सोच समझ के 20 किलो काटन उटन भी पकड़ना पड़ता ना। हाँ। ये अच्छे कॉटन में करना है क्या? कैसे कॉटन में करना है 20 किलो वाले? नहीं ये 20 किलो वाले जरा प्रॉपर कर रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता। हाँ अच्छे कॉटन में करना है ना, तो फिर वही तो वही हिसाब लगा रहा था मन में मैं, फिर ऐसा है ना एक बार बोले तो ऐसा नहीं होने का। 4,000 पकड़ो अच्छे कॉटन में। यार ये नरेश भाऊ ये दो गद्दे कैंसिल कर दूंगे तेरे तरफ से। क्या बोलूं? नहीं 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 कैंसिल काय को करने के, हो गया ना बराबर मैंने। नहीं तो सर नहीं वैसे नहीं बोलो, नजबूक क्या है खाली, फिर पत्ती उल्टी गिर जाएगी ना। तो नहीं नहीं करती नहीं करती, उसका रेट है, कस्टमर भी आएगा तो भी होता। अच्छा चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कितने देर में एडवांस भेज रहे आप? तू एक काम कर नरेश भाऊ, मेरे को 2 मिनट टाइम दे। हाँ हाँ मैं गद्दे का हिसाब निकालता हूँ, ये गद्दे का 4,000 रुपए क्या हो जाएगा अपनी पुरानी मेहनत। 3,500 कर देंगे जान दो, 3,500 कर देंगे। चलो 5 मिनट रुक, मैं भी रुकता हूँ। क्या रुकने का नहीं है, एडवांस की अभी एडवांस कितने देर में देते बोला आप? ये एडवांस 10 मिनट में, आधा घंटे में, 6 बजे पहले लड़का पहुंच जाएगा। अभी क्या रहेगा? सब रहेगा अपना 20 किलो के दो गद्दे बैलेंस रख दे। वो मैं कर लूंगा एडजस्ट, आप टेंशन मत ले, आपने जो बोलेंगे वो सीधे मैं रख लूंगा। रुक जा नरेश, रुक जा नरेश, खावर मत कर, उसमें क्या काम बिगड़ते, एटीट्यूड पर है। अच्छा समझ नहीं है, बाद में फोन करो, रुका हुआ साहब अभी नहीं मिल पाएगा, सीजन का टाइम है, शादियों का सीजन है, इस समय इतने गद्दे नहीं एडजस्ट हो सकते। मैंने नाइट मारने लगा 2 कलाकार को, एडजस्ट करवा दिया भाव के कारण, भैया की बात टाल नहीं सकता मैं, ऐसी हीरोगिरी कर वहाँ पे। हाँ तो करूंगा ना, तो बाबा करूंगा ना, मैं वो सब करूंगा। तू तो ऐसा खावर कर रहा था जैसे तूने कभी पैसे देखा ही नहीं।
थी और कभी लंबा नहीं, 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 नहीं। इसलिए तो मैं अभी देखना चाहता हूँ क्या है, तो वही बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता हूँ मैं। लो सब हो आप बिल्कुल अभी 30,000 भेज रहे क्या एडवांस? अरे मेरे सगे 30,000 भेजता है, 29,000 भेजूंगा, फेंक के मार देना। हाँ ठीक है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, जो बात करते ना अपन, हाँ हाँ ऐसे एकदम फुटपाथ की ऐसी बातें मत कर। नहीं कर रहा हूँ, कर रो, हटा लो, ऐसा नहीं करना। अभी समय नहीं है, सीजन का टाइम है, लड़के कहाँ हो गए, अभी बालाघाटी नौकर अपने पास, अभी वातावरण ये है, अभी औरतें आई नहीं है, अभी दो औरतों को मैंने बुलाया हूँ, रेगुलर औरतें अभी लेडीज जरा गाँव से गाँव गई है। ऐसा थोड़ा अपने धंधे का था हिसाब किताब बता ना, उसे अगले आदमी कैसे 100-200 रुपए ज्यादा दे देता। अरे सब हो जाएगा ना सर जी, आप टेंशन मत लो, सिर्फ अभी रोकड़ भेजने की कोशिश करो बस। रोकड़ लेके लेडीज बाहर जाके उड़ाएंगे कि तू पैसे? नहीं नहीं, तो रुकता क्यों नहीं फिर? हाँ रुका ना मैं बाबा, ये 20 किलो का होने का देना। हाँ ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, वो आप जो बोलेंगे पैसे रख लूंगा मैं। अरे नहीं रे, नहीं रे नरेश भाऊ, मेरे सगे मेरे भाई दोस्त, ऐसा मत कर, तेरे को भी मिलने को ना। 20 किलो की जो गद्दे ना भाऊ, इसको अपन लगाएंगे 2,500 रुपए, सुन मेरी बात। अच्छा ठीक है, और मेरे को 1 रुपए इसमें देना मत। नहीं ठीक है, मेरे 2.5 किलो की ईमानदारी से बना, कपास ईमानदारी से भर। हाँ ठीक है, या हे फक्त भले बरोबर 5,000 रुपये खींचो और हे तैयार करू दो, जैसे मैं 1 रुपये रोको दू। ठीक है, हाँ मानो जब खुद जला ना, इकड़े पर कितनी खापे करू सकते। ठीक है ठीक है, ये जो 20-20 किलो के गद्दे है ना, ये अपना है ट्रम्प कार्ड, ये अगर जम गया ना फिर बाकी पर काम हो जाता। वो सब हो जाएगा अभी, सिर्फ सर जी अभी आप ये देखो पैसे का देखो और भेज दो और मैं काम चालू करवा देता। ठीक है, एक काम करो तुम अभी। हाँ बोलो। 30 गद्दे जो अपन 1500 के हिसाब से बने, उसके 45,000 रुपए एक चिट्ठी पर, उसमें तुम्हारी दुकान का नाम मत डालना। नहीं हाँ, और ये जो 20 किलो के गद्दे है, 3,500 के हिसाब से 7,000 रुपए ये हो गए 52,000 रुपए, और ट्रैवलिंग अलग लिखना। ये मेरे को बिल बना के कोरे कागज पे लिख डाल दो। साहब को बोलूंगा मेरा भाई है, उसको 2,000 रुपए कम दे तो चलता, कर की बात। फिर साहब से बराबर 5 ही लूंगा, 5 तुमको दूंगा और अपन काम करके 45। ठीक है ना वो? हाँ बाकी से जम गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भेजो उनको जब भी बोलो तो। हाँ अभी अभी जैसे 6 बजे पहले दुकान मालूम है ना उनको, सब दुकान नकान सब मालूम है तेरा, देवनगर में ना। हाँ नहीं भाई, तुम्हारा सरनेम क्या है? वो मुटे सरनेम है, उठे ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलो। तुम आप भी बहुत अच्छे हो यार, काम बहुत अच्छा करते हो, थोड़ा सा एटीट्यूड लाओ अपने आप। हाँ सब मैं करवा लेता बराबर, आप टेंशन मत लो। तुम बहुत गरीबी से आगे आए क्या? बहुत गरीबी से उठे हुए लोग है तुम? अरे नहीं ना बाबा, गरीबी से उठे हुए नहीं है, हमने सब देख लिया। वो जाने दो, उससे कोई ये नहीं, अभी अभी बिजनेस का देखो अभी कैसा क्या करने का है। भैया तुम जैसे पहले दूसरे की दुकान में काम करते थे गद्दी का, फिर खुद का दुकान खोले, ऐसा कुछ स्ट्रगल वाला लाइफ गया क्या तुम्हारा? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, मैं कभी किसी का गया ना मेरे यहाँ का कोई गया है। नहीं तो फिर तुम जो बात करते ना, थोड़ी ना बड़े बिजनेसमैन जैसी करते जाओ। हाँ बिजनेसमैन जैसी है, अभी क्या बिजनेसमैन जैसी है, ऐसी बातें करे, पकड़। हाँ अभी पैसे भेजो ना, ऐसा नहीं करने का। उसमें अगले वाले को लगता कि आप ही सौदे उसके घर में अनाज गिरा, खत्म होगा तेरे घर का, आज ही सिलेंडर का, ऐसा लगता। कभी भी व्यापारी ने ऐसी बात कर रहा, ऐसा लगना चाहिए इसका पेट भरा हुआ है। भेजो बोला। हाँ नरेश बाबू, 6 बजे को लड़का भेजता हूँ, लड़का लड़की आओ। ठीक है तो पेन कागज भी लिखा गया, उनको व्हाट्सअप किया तेरे नंबर में? ओ मैं सब लिख लो के उनके पास में देता हूँ ना। शाहरुख खान फालतू का डॉक्टर का मत कर, उनके पास देता हूँ मैं, क्या हेल्पर हूँ क्या? हाँ ठीक है, आप में करवा दूंगा। अरे अभी नहीं, ये लिख दे 30 गुना 1,500 45,000 और ये 3,500 52,000 का बिल बना के कागज पे मेरे को व्हाट्सअप कर। हाँ हाँ, तो भैया एडवांस उडवांस लेने के बाद ही करूँ क्या, पहले करूँ? अरे कोरे कागज पे लिख के दे दे, मेरे पास चिट्ठी आ जाती है, मैं चिट्ठी से बोलता हूँ भैया 52,000 का बिल है, 30 एडवांस जरूरी है। हाँ तेरे पास भेजता हूँ, चिट्ठी दिखाना पड़ेगा ना मोबाइल पे। हाँ ठीक है ठीक है, पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अभी अखड़ के बात कर रहा। नहीं ना ले ना, तुम भेजो तो मैं करता ना सब बराबर। तो जो अभी बातें करे ना अखड़ के, ऐसी बातें करते जा। नहीं, सब बराबर कर लेता हूँ। देखा ना तेरी पहली बातें कैसी, क्या झोपड़पट्टी रही, अच्छा फुटपाथ पे धंधा कर रहा है। लो 10 के 2 प्याज और लिए है क्या बुधवार बाजार वाली, इसी बातें कर रहा था पहले तू, अभी 10 मिनट सीख के तू बातें कर रहा। हेलो नरेश भाई, भेजो भेजो जल्दी भेजो। One day later. हाँ बोल सर। भाऊ। हाँ बोला ना। हड़ू बोला भाऊ। हाँ बोला जी। हाँ मंगेश भाऊ बोलते हैं ना। हाँ नरेश भाऊ बोलते। हाँ बोला। आवाज कमी कर। हाँ ठीक है। स्पीकर जो वायर कर। हाँ ठीक है। हाँ बोला, आता कानाल लावला। हाँ अरे हड़ू बोल मला। हाँ बोला ना तो। हाँ जमलं ना। नाही पुन्हा कमी कर। हाँ तो बोला ना, तुम्ही काही बोलूनच नाही, मले तर आवाज आला पाहिजे ना मला काही नाही काही। अरे भैरिया तो कान चांगले ठेव ना, तो तोंड कमी ठेव ना। हा ठीक आहे ना, तर बोला ना तुम्ही, तर मी काहीच नाही बोलत ना, तिकडून बोला। हा मी म्हणलं साहेबाले म्हणलं मी ना। हा आता साहेब हळूहळू बोल। साहेब 2 वाजता येऊन राहिले कॅबिन मध्ये। अच्छा हा, मग 2 वाजता आल्यावर मग साहेब आपली चिठ्ठी समोर ठेवली वरते मी ना। हा तर मग साहेब बोल। हा
दोनों पांच मिनट तो तुम्ही घेऊन तुम्ही घेऊनच घ्या आपलं काम झालं पाहिजे तुला काय म्हणलं मी कान चांगले ठेव तोंड कमी ठेव म्हणलं ना हा बर ठीक आहे पगला तू नाही आहे हा ठीक आहे दोन वाजता तुम्ही फोन करा वायर काढू का तू स्पीकरचे एकदम वायर काढा म्हणलं ना ठीक आहे चांगल्या ठिकाणी गेल्या म्हणजे जोडं खाल्ला होशील का तू हा ठीक आहे हा बोला कधी मोठ्या माणसामध्ये बसला नाही का बरं ठीक आहे बोला ना तुम्ही दोनच्या नंतर तुम्ही फोन करताय मला दोन वाजून पाच मिनिटांना फोन करतो बिलकुल सर कुठं राहिला तर चुपचाप बोललो तर भकर भकर जेव्हा बोलतो नाही 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 काहीच नाही मी असंच बोलीन ना फक्त बस झालं यस सर म्हणीन बस झालं तू काय ना तू एक काम करते का बोला मी जलमलं त्यापासून पहिला आठवडे पाहून काम होता काही समजत नाही एक काम करते का हा बोला ना साहेबाने फोन करून रक्षा मंत्री जे आहे आपले राजनाथ सिंग त्याले फोन करून तुला मिलिटरीत पाठवू का मला मिलिटरी आता नका पाठवू पहिले लागत होतो तुला काहीच नाही करायचं पगली होऊचू काहीच नाही करायचं आहे तुला रेप राईट एवढंच करायचं आहे तुझा जो आवाज आहे हा मिलिटरीचा आवाज आहे आणि धंदा चालू केला तुला बोलताच तू पोलीस मध्ये पाहिजे होता पोलीस मध्ये बरोबर आहे दैन्य मूड आके मूड पाय मूड ते चल एक साथ ते चलेंगे ते चल चल अरे स्पीकरचा आवाज काढ म्हणलं तुले ठीक आहे तू असं आपलं सांगतो तुला मी बोला ना तू हाय कलाकार पण म्हणजे कसं आपण प्रत्येक गोष्टीत मॅच होणं हा मनुष्य धर्म आहे तू तुझ्यामध्ये हाय पण भाऊ आता पटकन पाहिजे तू हळू बोलला आवाज कमी केला हे गुण पाहिजेत पण म्हणजे वेळेनुसार बदल घडला पाहिजे माणसं हा बरोबर आहे मी काय म्हटलं सर तुम्ही असं म्हणजे मग दोनच्या नंतर तुम्ही त्याच्या त्या मुलांजवळ ऍडव्हान्स पाठवणार आहे ना नाही तर काय पाठवून कंचे पाठवून ठीक आहे पाठवून का हे पाठवून पैसेच पाठवून ना एक दोन पहिल्या कवड्या पाठवू नाही तर ठीक आहे तर लवकर पाठवून द्या तुम्ही मी पाठवून काम सुरू केलाय मी मलिंगा तुला पहिले म्हणलं ना हरू कॉलिंग करायचं ठीक आहे फक्त कसं हे मोठे साहेब होते कुठं कुठं हळू बोलायचं आपण मग बाकी आपल्या ठिकाणी आहोत ना आपण राहून यायच्या घरचे उंदर आहे ना उंदर बी दोन हजारची नोट खाते पाचशेची नोट कडे पाहत नाही ते मोठे लोक आहे आणि आपल्या घरचे लोक आपल्या घरचे उंदर झाले 10 नोट खाते ठीक आहे समजलं ठीक आहे पाठवा तुम्ही मग ठीक आहे ओके आणि याच्यामध्ये हॅलो असं घालून कमी करून बोलायचं हळू बोलायचं ठीक आहे मी तुले की नाही ए मंगेश भाऊ बोला ना तुले बरोबर दोन बाजू पाच मिनिटांना फोन लावे ना बिलकुल हळू ओके ओके ब्रेकवर पाठव कमी कर चल बाय A few moments later. बोला सर हा मंगेश भाऊ हा जमलं ना हो जमलं मग आता साहेब येऊन राहिले ना त्यांच्या शाळा आल्या ना साहेबाच्या नाही म्हणजे ऍडव्हान्स घेऊन मुलगा येत आहे म्हणून हे कसं झालं जमलं म्हटलं आपलं मंगेश भाऊ खरं सांगतो तुमच्या जीवनात किती परिवर्तन झालं मला याचा खूप आनंद आहे हो होणारच ना सर आता कसा करता पैशाची गोष्ट आहे म्हणून सगळं परिवर्तन करावंच लागते आता काय करता आता पैशानुसार चालू अंदरून परिवर्तन झालं का हे वर्तवर्तन नाही अंदरूनच आहे ना सर जी ना तुम्ही जे आवाज वगैरे म्हणजे परिवर्तन झालं अंदरून आहे का फक्त पैसे भेटे नाही अंदरूनच आहे असा मंगेश भाऊ बदल करा मग मंगेश नाही आहे माझं नाव नरेश आहे नरेश भाऊ मी काय म्हणतो हा बोला ना जसे आताचे बोलून राहिले का नाही हा बदल करा ना तर मग झाला ना आता बदल केला ना तुमच्यासाठी मी सगळंच करायला तयार झालो तुम्ही एवढे मोठे व्यापारी आपण असं वाटतं तुमच्या बुधवार बाजारामध्ये आलू कांद्याच्या ठेला आहे बरं आता कसं करायचं समोर का झाली आपली पोल्युशन हे सांगा ना कसं सर पोल्युशन सगळी झाली आहे साहेबाच्या शाळा आलाय अच्छा साहेब काहीतरी बोलून राहिले शाळेसोबत शाळा बी शाळा आला म्हणजे साहेबाला काही ना काही पैसे तिच्या आपलं काम 100% 110-120% फुल परफेक्ट आहे ना त्याच्या हातात पैसा आला का तेव्हा खरं समजायचं तुम्ही कांदे किंदे चिरून फोडणी देऊन ठेवू नका म्हटलं आहे ना म्हणले
आता आपलं फायनल म्हणजे कोपर्यंत होऊन जाईन, म्हणजे आता आल्याबरोबरच होऊन जाईन ना ते? बस ते झाल्याबरोबर होऊन जाईल. शाळा आता शाळा किती रुपये मागते, शाळा जर आला आणि त्याला म्हणलं 2 लाख रुपये 2-4 लाख रुपये देते साहेब देऊन देईन, लंबा खापा करून आला असेल त्याच्या शाळा, साहेबाचे डोकं खराब राहिला वेळ लागेल आपल्याला. नाही नाही परत पाहणं लवकर लवकर कसं जमवाना, तसं झालं तसं मी काम सुरू करून देतो. काम सुरू करायचे नाही साहेबाच्या शाळा आता काय म्हणते पाहू द्या फॅमिलीची त्याच्या हिशोब. तुम्ही आता सगळं करून मला किती वेळात फोन करता? मी काय देव हो तुम्ही देव हो मी त्याच्या आला हो तुम्ही साहेबाची सांगा. नाही 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 तरी हो जसं झालं तसं मला फोन लाव मग. नरेश भाऊ ना. हा 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 बोला ना सर. मला खूप आनंद वाटत आहे पण म्हणजे असा ऑर्डर भेटो का नाही भेटो आपल्या दोघायले 5-50 रुपये कमाई हो का नाही हो गोष्ट सांगत आहो. त्यामध्ये खूप बदल घडला मला याचा आनंद येत आहे. असं बोलत जा भाऊ तुम्ही. ठीक आहे ना सर मग पाहिला करा फोन मग बोला. हा तुम्ही जे बोलत का नाही हे वाटत एकदम मॅच्युअर बिझनेसमॅनचे बोलणं. ठीक आहे सर मग. केशव कॉलिंग. केशव कॉलिंग. केशव कॉलिंग.